आज खुशियों के त्यौहार आईपीएल के पहले मैच में किंग कोहली की टीम आरसीबी करेगी बढ़िया शुरुआत, या फिर रोहित मैन शर्मा की टीम एमआई सब अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर देगी एक लाजवाब वार। भैया आप भी अपना इंट्रोडक्शन दे दो कुछ। हेलो एवरीवन, मायसेल्फ दिग्जीत सिंह वेलकम्स यू ऑल टू योर ओन चैनल मैं और मेरा सफर। तो भाई अर्पित, आज के हम शो में क्या क्या करने वाले हैं पहले ये बता देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मुंबई इंडियंस के प्लेइंग 11 की, देन वी विल टॉक अबाउट आरसीबीज प्लेइंग 11, टॉस रिपोर्ट, पिच रिपोर्ट, कितना स्कोर बन सकता है आज, क्या होगा, और आज हम दोनों की कौन कौन सी टीम्स है, मैं किसको सपोर्ट कर रहा हूं और ये किसको सपोर्ट कर रहा है। वैसे तो आपको कलर देख के पता लगी क्या होगा कि हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं, बट स्टिल ये बातें हम बताएंगे आपको लास्ट में। तो यार अर्पित, आप फटाफट से मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 बता दे सबको। मैं पहले चार टॉप ऑर्डर्स के बैट्समैन के नाम बता देता हूँ। रोहित शर्मा और उनकी जोड़ी निभाएंगे क्रिस लेन। आपके भी क्विंटन डीकॉक वैसे ही गया हुआ है, तो आया तो गया है और थर्ड पर सूर्य कुमार यादव इंटरनेशनल डेब्यू भी हो गया भाई अब तो स्काई का। फोर्थ ईशान किशन आ गया और दो मतलब पांडे ब्रदर्स के बीच में कायरन पोलार्ड, मतलब हार्दिक पांड्या, कायरन पोलार्ड, कुणाल पांड्या, ठीक है। उसके बाद एडम मिले, न्यूजीलैंड राहुल चहार, ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह। तो ये थी हो गई हमारी मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11। तो आज इन 11 लड़कों को खेलता हुआ देखना चाहता है ना भाई। तो अगर आरसीबी की प्लेइंग 11 की बात करें तो सबसे पहले अगर देवदत्त पर्टिकल आज खेला, अभी भी डाइसी है कि देवदत्त पर्टिकल खेलता है या नहीं खेलता। अगर देवदत्त पर्टिकल खेलेगा तो मेरी प्लेइंग 11 होगी, पर्टिकल ओपन करेगा साथ में किंग कोहली। आपको कल ट्रेनिंग ग्राउंड में खेलता हुआ देखा था, इसलिए हम वैसे वो कोरोना पॉजिटिव आया था बट अभी डाइसी है, अभी कुछ पता नहीं चल रहा कि वो खेलेगा नहीं खेलेगा। अगर वो खेलता है तो अच्छी बात है देवदत्त पर्टिकल, क्योंकि सैयद मुश्ताक अली में रन भी बहुत बनाया देवदत्त पर्टिकल ने। पर्टिकल खेलेगा, ओपन करेगा साथ में विराट कोहली, कोहली के बाद तीन नंबर पे खेलने आएगा। दो ऑप्शन है आरसीबी के पास, मैं आज चाहूंगा कि आरसीबी तीन नंबर पे दोनों ऑप्शन जो है वो नए चेहरों में किसी को मौका दे। एक बनता है मोहम्मद अजहरुद्दीन जिसने सैयद मुश्ताक अली में अच्छा क्रिकेट खेला था, दूसरा बनता है रजत पाटीदार। मैं चाहता हूं कि रजत पाटीदार खेले, तू क्या चाहता है? अजहरुद्दीन खेले, तो इन दोनों में से एक खेलेगा। चार नंबर पे खेलेगा एबी डिविलियर्स, द 360 डिग्री एबी डिविलियर्स। पांचवे पे आएगा हमारा ग्लेन मैक्सवेल। उसके बाद फिर ऑलराउंडर स्टार्ट होते हैं सुंदर, डैन क्रिस्टन, काइल जेमिसन, आठ हो गए। दो इंडियन फास्ट बॉलर्स खेलेंगे मेरे, सैनी और सिराज। एक इंडिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल। तो ये थी मेरी आरसीबी की प्लेइंग 11। अगर बाई चांस देवदत्त पर्टिकल नहीं खेलता तो फिर तो रजत पाटीदार और साथ ही साथ मोहम्मद अजहरुद्दीन दोनों खेलने चाहिए। अजहरुद्दीन ओपन कर सकता है और पाटीदार तीन नंबर पे खेल सकता है। ये टीम बनती है आरसीबी का प्लेइंग 11। पिच रिपोर्ट पे आ जाते हैं अब। वैसे चेन्नई की ये स्टेडियम स्पिनर्स के लिए बहुत बेनिफिट है, लेकिन पहला मैच हो रहा है, इतना पिच पे अभी खेला नहीं है। जब चार पांच मैच हो जाएंगे तो पिच थोड़ी टूटने लग जाएगी, तो उससे थोड़ी ग्रिप होएगी स्पिनर्स की बॉल। तो पहले मैच में तो अभी स्पिनर्स का बेनिफिट इतना नहीं है, स्टिल होगा बट इतना नहीं। तो इस कंडीशन को देखते हुए, पिच को देखते हुए, क्राउड भी नहीं होगा। तो अगर टॉस की बात करें, अगर आरसीबी टॉस जीत गई आज, विराट कोहली अगर टॉस जीत गया आज तो क्या करना चाहिए? तो उन बैटिंग लाइन, मैं आरसीबी की बैटिंग लाइन के देखते हुए यही बोलना चाहूंगा कि भी आरसीबी चेस करना चाहेगी। अच्छा, मतलब आरसीबी चेस। और मुंबई तो मेरे हिसाब से मुंबई इंडियंस एक ऐसी टीम है, वन ऑफ द बेस्ट टीम है आईपीएल की, बैलेंस्ड टीम है, वो कुछ भी कर लेगी। बट मेरे हिसाब से उनका बॉलिंग लाइनअप जितना अच्छा है वो क्या चाहेगी, वो डिफेंड ही करना चाहेगी। तो टॉस आज दोनों ही टीमों के लिए मेरे हिसाब से अच्छा रहने वाला है। और अगर बाई चांस आरसीबी पहले अगर पावर प्ले में विकेट गिर गया तो आरसीबी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिल्कुल हो सकती है। और पर पूरी कोशिश करेगा ट्रेंट बोल्ट पावर, हाँ, ट्रेंट बोल्ट पावर प्ले में ट्रेंट बोल्ट अच्छी बॉलिंग करता है। आरसीबी अगर टॉस जीतती है और पहले समझ लो ओवर बैटिंग दूसरी करती है, चेज करती है, तो कितना चेज आरसीबी करना चाहेगी कि इतने में वो कंफर्टेबल फील करेगी? 160 170 180, उससे ऊपर वो नहीं जाना चाहेगी चेज करते हुए और सामने जब मुंबई इंडियंस जैसा बॉलिंग अटैक।
ठीक है भाई। तो ये थी अपना आरसीबी, आज चेस करना चाहेगी 160-170 तक आरसीबी कंफर्टेबल रहेगा, उसके ऊपर दिक्कत होने वाली है। बट 170 भी बना मुंबई इंडियंस का बॉलिंग अटैक किसी भी बैटिंग अटैक को रोक सकता है मेरे साथ, है ना भाई। तो अगर अब बात करें, तू किसको सपोर्ट कर रहा है आज? मैं तो मुंबई को सपोर्ट देख रहा हूँ, कलर देख के पता ही मुंबई इंडियंस को सपोर्ट कर रहा हूँ, और मैं कर रहा हूँ आज आरसीबी को सपोर्ट। तो अब चलो सपोर्ट की बात तो अलग है, अगर चीजों को देखें सब बैलेंस को अगर देखें तो तेरे हिसाब से कितने परसेंट आज आरसीबी जीतेगी और कितने परसेंट मुंबई? मुंबई को कितने परसेंट देता तू आज जीतने के? 60-40। मेरे हिसाब से भी आज 60% आरसीबी मैच जीतेगी और 40% मुंबई इंडियंस जीतेगी। इसके हिसाब से 60% मुंबई इंडियंस जीतेगी और 40% आरसीबी। तो आज देखेंगे फिर कि कौन पड़ता है किस पर भारी, रोहित शर्मा या फिर विराट कोहली, ट्रेंट बोल्ट या फिर ग्लेन मैक्सवेल, राहुल चहल या फिर युजवेंद्र चहल, और कोई राइवलरी? बूम बूम बूमरा वर्सेस 360 डिग्री एवरीडी प्लेयर्स। तो यार मजा तो आने वाला आज के मैच में, क्या भाई अर्पित वीवो आईपीएल। तो मिलेंगे आपको हम कब? मिड इनिंग्स में। आपके लिए एक सरप्राइज है, मिड इनिंग्स में सब जरूर आना, मिड इनिंग्स में मिलेंगे आपको। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। इतनी तैयारी करिए आपके पीछे है, इसके लिए एक लाइक बनता है, सब्सक्राइब बनता है, कमेंट करता है, वीडियो को शेयर करो दोबारा, जो नए बंदे आए वो सब्सक्राइब कर दो चैनल को प्लीज। तो अब मिलेंगे आपको मिड इनिंग्स में, और कमेंट में बताना कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हो आज, आरसीबी या फिर मुंबई इंडियंस। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।